फिएट और पीजो के मर्जर पर यूरोपियन कमीशन ने इन डेप्थ एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। तो आपके मन में तीन सवाल जरूर आ रहे होंगे कि ये एंटी ट्रस्ट लॉ होता क्या है, दूसरा ये एंटी ट्रस्ट लॉ इस मर्जर पर क्यों लगा, तीसरा ये एंटी ट्रस्ट लॉ पीएस और एफसीए के मर्जर पर ही क्यों लगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और मैं आपसे इन्हीं तीन सवाल के बारे में बात करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो वो है एटीआरए है क्या। एटीआरए इज एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन एक्ट। ये एक ऐसा कानून है जो सभी बिजनेस की इकोनॉमिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करता है और ये इंश्योर करता है कि मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन सभी बिजनेस के बीच बना रहे। अगर कोई बिजनेस मार्केट में इतना ज्यादा बड़ा होने लगे कि जिसकी वजह से छोटे बिजनेस का सर्वाइवल खतरे में आ जाए और मार्केट में एक मोनोपोली स्टैब्लिश होने लगे, तो वहाँ ये एक्ट काम करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो 90s में माइक्रोसॉफ्ट इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उसके कॉम्पिटिशन मार्केट में खत्म हो गया था, पर उसने ATRA से बचने के लिए अपने कॉम्पिटिटर एप्पल की हेल्प करी और मार्केट में कॉम्पिटिशन को बनाए रखा। तो एंटी ट्रस्ट लॉ लगभग हर बिजनेस और हर लेवल ऑफ बिजनेस पर एप्लीकेबल है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या इवन मार्केटिंग क्यों ना हो। एंटी ट्रस्ट लॉ का होना जरूरी भी है ताकि कोई भी इल्लीगल प्रैक्टिसेस जैसे प्राइस फिक्सिंग करना या कोई ऐसा मर्जर करना जिससे मार्केट में कॉम्पिटिशन खत्म हो जाए या कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जिससे मार्केट में मोनोपोली एस्टैब्लिश हो, ये ऐसा नहीं होने देता और एंटी ट्रस्ट लॉ बिजनेसेस को इसके लिए पनिश भी करता है। तो इंडिया में ये एक्ट MRTP 1969 के नाम से जाना जाता था, जिसे 2002 में बदलकर कंपटीशन एक्ट कर दिया गया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में हम बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये था एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में। तो वीडियो को लाइक करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो FCA और PSA मर्जर पर एंटी ट्रस्ट एक्ट क्यों लगा, इसे जानने से पहले जान लेते हैं FCA है क्या और PSA है क्या। FCA फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल जो एक इटालियन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेट है जो दुनिया की 8th लार्जेस्ट ऑटोमेकर है। इसके पोर्टफोलियो में कई ऑटोमोटिव ब्रांड्स आते हैं जैसे कि अल्फा रोमियो, अबार्थ, क्राइसलर, डॉज, फिएट, फिएट प्रोफेशनल, जीप, लैंसिया, मजेराटी, रैम ट्रक्स और व्हीकल कंपोनेंट्स जैसे कि इंजन्स। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इंडिया में लगभग हर मेजर ऑटोमेकर ने फिएट के इंजन्स को यूज किया है या अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, फोर्ड, टाटा एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं PSA की। PSA है क्या, पीजो सोसाइटी एनोनिम। ये एक फ्रेंच मल्टीनेशनल ऑटोमेकर है जिसके पोर्टफोलियो में पीजो, सिट्रॉन, DS ऑटोमोबाइल, ओपल, वॉक्सवॉल जैसे बड़े ऑटोमोटिव ब्रांड्स आते हैं। तो 31st अक्टूबर 2019 FCA एंड PSA अनाउंस दैट दे आर गोना गेट मर्ज विद ईच अदर और ये 50-50 जॉइंट वेंचर $50 बिलियन का होने वाला है। $50 बिलियन को लगभग रुपीज में कन्वर्ट करें तो 3,73,362.5 करोड़ का होने वाला है, जिसके बाद ये स्टेलेंटिस ग्रुप दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑटोमेकर बनने वाला है और FCA PSA मर्जर के बाद इस ग्रुप का नाम स्टेलेंटिस होने वाला है। तो कमीशन का ये कहना है कि ये डील मार्केट में लाइट कमर्शियल व्हीकल स्पेशली वैन्स के सेक्टर में कंपटीशन को कम कर सकती है या इवन खत्म भी कर सकती है, जिससे मार्केट में एक मोनोपोली स्टैब्लिश हो सकती है। और किसी भी SME, इंडिविजुअल या लार्ज कंपनी के लिए वैन्स का होना बहुत जरूरी है जब बात आती है गुड्स डिलीवरी की या सर्विस प्रोवाइड कराने की। पीजो और फिएट दोनों की ही मार्केट में काफी स्ट्रांग होल्डिंग है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के सेक्टर में। किसी टाइम पर ये दोनों ही हेड टू हेड कॉम्पिटिशन में भी रह चुकी हैं और जैसे ये मर्ज होती हैं तो इनका आपसी कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा, जिससे कि इनके पास लगभग हर सेगमेंट में एक बड़ा मार्केट शेयर होगा और बहुत बड़ा एक सर्विस नेटवर्क होगा, जिससे होगा ये कि मार्केट में किसी भी न्यू या स्मॉल प्लेयर का सर्वाइव करना या सेटअप होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और किसी भी इकोनॉमी को सक्सेसफुल बनने के लिए उसमें कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है, जिससे प्रोडक्ट को इनोवेट किया जा सकता है और अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो वो है एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन FCA PSA मर्जर पर ही क्यों लगी, जबकि मार्केट में टोयोटा, टेस्ला, वोक्सवैगन जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली, इस मर्जर का मेन पर्पज मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करना है, ना कि प्रोडक्ट को इनोवेट करना। और क्योंकि ये मार्केट में पहले हेड टू हेड कॉम्पिटिशन में रह चुके हैं तो इन्होंने अपना आपसी कॉम्पिटिशन तो खत्म किया ही, वहीं दूसरी ओर मार्केट में भी कॉम्पिटिशन को खत्म कर दिया। और इसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इन दोनों ग्रुप्स के पोर्टफोलियो में इतने ज्यादा और इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि सारे के सारे अगर वो एक छत के नीचे आ जाएंगे तो ये मार्केट में एक तरफा कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। तो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इस इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन 30 नवंबर तक आ जाना चाहिए और सब कुछ सही रहा तो Q1 नेक्स्ट ईयर तक ये मर्जर कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये थे वो तीन क्वेश्चन, एंटी ट्रस्ट लॉ होता क्या है, एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन FCA PSA मर्जर पर क्यों हुई और ये इन्वेस्टिगेशन FCA PSA मर्जर पर ही क्यों हुई। तो कैसे लगी आपको एक केस स्टडी, क्या गलत लगा क्या सही लगा कमेंट्स में बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑटोमोटिव अपडेट्स के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।